उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में 10 घंटे की मशक्कत के बाद छुड़ाए गए सभी 23 बंधक बच्चे। पुलिस कार्रवाई में आरोपी ढेर। आरोपी ने अपनी पत्नी और बच्चे को भी बनाया था बंधक। प्रशासनिक काम में लगे मनरेगा कर्मियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। यूपी के सोनभद्र जिले से हुई शुरुआत। मनरेगा कर्मियों को ईपीएफ की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के जरिए मिलेगी। नेपाल में 17,515 फीट की ऊंचाई पर आयोजित हुआ फैशन शो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। फैशन शो में 10 देशों के 18 सुपर मॉडल ने लिया भाग। रोहित शर्मा ने बताया भारत ने तीसरे T20 में क्यों बुमराह से डलवाया सुपर ओवर। कहा, आप अपने बेस्ट खिलाड़ी को भेजते हैं, हमें ऐसे खिलाड़ी को भेजना था जो लगातार यॉर्कर और धीमी गेंदें डाल सके। जामिया फायरिंग पर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ने ट्वीट करके दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। क्यों दिल्ली पुलिस आज लाठियां नहीं उठी आपकी? सिर्फ निहत्ते छात्रों को देखकर ही खून खौलता है ना आपका?